दोस्तों आपने साध्वी प्राची का तो नाम सुना ही होगा। वो विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की नेता हैं। वो अक्सर अपने विवादित बयानों से जानी जाती हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी जुबान खोली और फिर से एक विवादित बयान दिया। अगर हम सब मिलकर इस बयान की निंदा करना स्टार्ट करें तो वो कम ही मानी जाएगी, क्योंकि इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। देखिए साध्वी प्राची ने क्या कहा है, इस बार विवादित बयान क्या दिया आप खुद ही सुन लिए। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, जब मंदिरें बंद हो रही हैं पूरे देश की तो मस्जिदें भी बंद होनी चाहिए। वही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार से तो मेरी अपील है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही जल्द 5 टाइम की जो नमाज होती है उस पर पाबंदी लगा दी देनी चाहिए और मस्जिदों को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए देश भर की। तो दोस्तों इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।